गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, ये तीनों मैंने इसलिए कह दिया ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखें मेरी दुआ आप तक पहुँचे। थैंक यू। मैं आशीष कुमार एंड स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल आशीष 93 के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ओल्ड हैं तो सिंपली लाइक बटन पर क्लिक करें। इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का 100 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी का तैयारी कराई जाती है पीडीएफ के साथ, ठीक है। आपको समरी का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन सर, टोटल चीज़ मिलेंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द अर्थ, ठीक है, मीन्स तो आप जानते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो रेनबो बुक है उसका चैप्टर नंबर ये 9 है, ठीक है। तो द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी कंपोज बाय हर्बर्ट एस्ट्रन बेट्स। इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है एच बेट्स, ठीक है। बुक में भी यही दिया हुआ, एच बेट्स। तो द अर्थ किसने लिखा है? एच बेट्स ने। ही वॉज बोर्न ऑन 1905 में उनका जन्म हुआ था और 1974 में उनका मृत्यु हुआ था इन नॉर्थ हैप्टन, सेंट्रल इंग्लैंड में, ठीक है। ही वॉज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब वो छोटी छोटे कहानियों के लेखक के नाम से जाने जाते थे। और जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट जैसे ना होता है न्यूज़ बनाने वाले, समाचार पत्र जो देते हैं उसको हम लोग जर्नलिस्ट बोलते हैं। हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड ऑन वेन ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था जब वो कितने साल के थे? 21 साल के थे। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। ही एक्सप्लोर्स अबाउट लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। वो इसमें बताते हैं कि एक पेरेंट्स कैसे लेजी होते हैं, आलसीपन, ठीक है। इसमें पेरेंट्स होते हैं जॉनसन, ठीक है, और इनके बेटा का नाम है बेंजी और बेंजी के फादर का नाम जॉनसन, ठीक है। जॉनसन वॉज ए फार्मर, हिज सन वॉज बेंजी। जॉनसन क्या होते हैं? किसान होते हैं और उसके बेटा का नाम बेंजी। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु बिलीव टू मच ऑन देयर चाइल्ड। और यह एक मजाकिया सा कहानी बना हुआ है जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स के साथ विश्वासघात कर लेते हैं। इस कहानी में हम लोग यही समझेंगे, ठीक है। इस कहानी में एक बेंजी नाम का लड़का है, एक लड़की है फ्लोरेंस, ठीक है। और बेंजी को ना ही तो उंगली गिनना आता है, ना कुछ भी काउंटिंग तक नहीं जानता है। तो डॉक्टर के पास बेंजी के फादर लेकर जाते हैं जॉनसन। तो डॉक्टर कहते हैं भाई देखो, आप इसे मुर्गी दे दो और कुछ दिन तक ये बिजी रहेगा और सीख जाएगा सब कुछ। और वैसा ही हुआ, इन्होंने मुर्गी को पालना पोषण शुरू करा। उसके फादर के जो 4 एकड़ ज़मीन थे, 4 एकड़ ज़मीन में इन्होंने अपना मुर्गी का फॉर्म बनाया, उसमें चालू करा इसने। धीरे धीरे देखते देखते पहले तो 12 मुर्गी थे इनके पास, अलग अलग कलर डिज़ाइन के, फिर 40 में, और उसके बाद बहुत सारा इतना हुआ कि जिसका गिनती करना मुश्किल नामुमकिन हो गया था। और दूसरी बात यह था कि पहले अपने घर के पीछे वाले गेट से, है ना, अंडा बेचा करता था चोरी छुपके से। तो जो पैसे आते थे उससे, तो वो पैसे उसकी माँ कहती थी कि लाओ मैं रख देती हूँ, तो रख देती थी उसकी माँ। फिर कुछ दिन बाद क्या, वो अपने से रखना शुरू कर दिया और कप, है ना, कपबोर्ड के ऊपर रख दिया गया एक बेसिन, उसमें रखना शुरू किया। अब उसकी माँ बोली कि देख भाई, ये पैसे तुम्हारे, है ना, इकट्ठा हो रहे हैं, जब तुम हो जाओगे 21 इयर्स के मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। उसके मदर फादर ने ये डिसाइड करा, अब ऐसा ही हुआ, 21 साल बाद उसे पैसे दे दिया गया। परंतु बेंजी ने एक थैंक यू तक नहीं कहा। कुछ दिन बाद बेंजी को लगा कि मुझे एक घर पे काम करने वाली चाहिए, तो उसने एक लड़की को ऑफर करा, उसका नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से उसे प्रेम हो गया और उसने डिसाइड किया कि मैं इससे शादी कर लूँ, और फ्लोरेंस से उसने शादी भी कर लिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि फ्लोरेंस ने बेंजी के माता पिता के प्रति कुछ जहर सा डाल दिया, ठीक है, और बेंजी
समझ गया कि नहीं अब जो है ना हमें अलग रहना चाहिए। तो बेंजी ने डिसाइड लिया कि देखो मदर फादर, आप लोगों को भाई पीछे वाले रूम में रहना, हम लोग आगे वाले रूम में रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब देखिए मजबूर था बेचारा, उसके पेरेंट्स लोग भी, मतलब ठीक है। परंतु अब ये चीज़ ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ठीक है, और नहीं होने की वजह से फ्लोरेंस ने कहा हम लोग अलग रहेंगे। और बेंजी ने फिर क्या करा, अपने मदर फादर को है ना वैन में बैठाया और जाके किसी शहर के छोटी जगह पे जाके छोड़ दिया। यही कहानी है कि एक बच्ची को कितना बड़ा कर दिया जाता है परंतु वो अपने पेरेंट्स को लास्ट में रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, इसी चीज़ को बताया गया, ठीक है। चलिए, जॉनसन हैड ओनली डेट द अर्थ एंड विल कार्ट एंड ब्राउन मेयर। जॉनसन के पास जो कुछ भी था तो वो क्या था, एक ब्राउन कलर की उसके पास घोड़ी और कार्ट जो था आपका बैलगाड़ी वाला जो हम लोग बोलते हैं। ही ट्रस्ट इन गॉड टू मच एंड ही हैड लविंग सन नेम वॉज बेंजी। वो अपने आप में से भगवान को ज़्यादा विश्वास करते, भगवान अरे सब कुछ भगवान कर देगा, बस भगवान ठीक है सब कुछ, तो भगवान पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। और देवी देवताओं पे ज़्यादा बिलीव करने के साथ साथ वो ना तो धर्म सुधारक का भी काम करते हैं, है ना। और उनके बेटा का नाम क्या है, बेंजी। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। बेंजी वॉज ए सिंपल माइंडेड बॉय। बेंजी क्या है, बिल्कुल साधारण से दिमाग वाला लड़का है, ठीक है। ही डज नॉट नो टू काउंट फिंगर, वो उंगली तक गिनती करना नहीं जानता। हिज फादर वेंट टू द डॉक्टर, उसके पिता डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर द डॉक्टर एडवाइज्ड डैट गिव हिम सम हैंड्स टू कीप इंगेज वर्किंग ऑन वर्क एंड बेंजीज फादर बाउट सम हैंड। डॉक्टर ने कहा कुछ मुर्गी खरीद कर दे दो जिसमें इंगेज रहेंगे, और बेंजी के फादर ने मुर्गियां खरीद कर उसे दे भी दिया। ग्रेजुअली ही लर्न ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस, धीरे धीरे उसने बिजनेस के सारे ट्रिक समझ गए। एंड अर्न मनी है ना बाय 4 acre लैंड फ्रॉम सेंडर, और पैसे भी कमाना शुरू कर लिया, और 4 acre जमीन जो उसके फादर ने लिया था कर्ज पे उसे भी खरीद लिया, ठीक है, किससे, तो सेंडर से। बेंजी गोट मैरिड नेम फ्लोरेंस, बेंजी ने शादी किया किससे, फ्लोरेंस से, ठीक है। बट हर बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वॉज नॉट गुड, जो बेंजी का मतलब इसका फ्लोरेंस का बिहेवियर था वो बेंजी के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा। सी पॉइजन हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, है ना, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने क्या किया, बेंजी के पेरेंट्स के खिलाफ बेंजी को कुछ नहीं होता है सिखा पढ़ा दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं वगैरह वगैरह बहुत सारा, जिसके कारण बेंजी में बहुत सारा एक गलत भावना आ गया और उसने अपने पेरेंट्स को बाहर भेज दिया। सो बेंजी ड्रोव देम, है ना, सो बेंजी ड्रोव देम इनटू द टाउन बाय स्मॉल फोर्ड वैन, ठीक है। उसने एक फोर्ड वैन में अपने मदर फादर को बैठाया और शहर के किसी छोटे से जगह में जाके छोड़ दिया। दे हैड टू नथिंग लिव, लेकिन उसके मदर फादर के पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं रहा, अब कैसे रहेगा, उसने तो घर से बेदखल कर दिया, बाहर भेज दिया, अब छोटे से शहर में कैसे वो लोग जीवन यापन करेंगे, है ना। मुझे तो बहुत हर्ट हुआ, दिस इज नॉट गुड, है ना। व्हाट डिड डन अ सिंपल माइंडेड पर्सन, है ना, पर्सन इज अनबिलीवेबल, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि इस तरह साधारण दिमाग वाला लड़का इतना कुछ कर सकता है, कोई बिलीव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मैं बता दूं, बेंजी का जो था ना बहुत बड़े बड़े बाल थे, ब्लू कलर की आंखें थी, है ना, बहुत साधारण से रहता था, मुस्कुराते रहता था दिन भर। देयरफॉर वी कैन से दैट बेंजीज पेरेंट्स वॉज, है ना, नॉट हैप्पी व्हाट हिज सन डिड, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो बेंजी के पेरेंट्स खुश नहीं है जो उसने बेंजी ने करा, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू मे कॉल, है ना, व्हाट्सअप, ज्वाइन टेलीग्राम, ओके, थैंक यू।